नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस बजावा में। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि दर्पण पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, दर्पण और लेंस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम जो है उसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। दूसरी बात रही कि इस वीडियो से पहले एक पार्ट पहले भी आ चुका है, तो उस वीडियो को जो देखने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले पार्ट वन को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो समझने के लिए आसानी हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दर्पण सूत्र जो होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, ये जो है हमारा दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पे जो U जो है वो क्या होती है हमारे पास में, वो होती है हमारी बिंब की दूरी। ठीक है, ये क्या होती है, बिंब की दूरी, या फिर यहाँ पे बोल सकता आपको वस्तु की दूरी। V जो होती है हमारे पास में, वो होती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है हमारे पास में, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और यहाँ पे F जो होता है वो होता है हमारे पास में फोकस दूरी। क्या होती है हमारे पास में, फोकस दूरी। तो ये जो सूत्र है ये तो हम पढ़ेंगे किसके लिए, दर्पण के लिए। और एक और बात करता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, लेंस सूत्र यहाँ पे एक और आपके काम में आएगा। क्या, लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र जो होता है हमारे पास में, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस लेना है। यानी कि 1/V - 1/U = 1/F जो होता है वो होता है हमारे पास में लेंस सूत्र। और यहाँ पे V और U वही हैं जो हमारे किसके अंदर हैं, दर्पण सूत्र के अंदर हैं। तो ये जो सूत्र हैं आपको, दोनों लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र जो आपको याद रखने, देखिए इनके बिना जो है वो न्यूमेरिकल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, और ये जो चीज़ हैं ये आपको सीधे भी पूछी जा सकती हैं। जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र के अंदर वी जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, दर्पण सूत्र के अंदर एफ जो है वो किसको प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम हमारे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, और पहला जो न्यूमेरिकल है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर फर्स्ट से। और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में दो प्रकार के दर्पण हैं, उत्तल और अवतल, और दो प्रकार के हमारे पास में लेंस है, उत्तल और अवतल, तो उन दोनों और दोनों को मिलाकर चार हमारे पास में लेंस और दर्पण बनते हैं। तो चारों से हम एक एक जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं हम उत्तल दर्पण से। और ये जो है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th का जो क्वेश्चन है वहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन आपको उससे संबंधित देखिए कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है, आपको क्वेश्चन को रट्टे नहीं मारना है, आपको चीज़ें समझनी है कि कैसे कैसे जो है वो क्या है। और आपको ध्यान में रखना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जो मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर बनाई थी, उसके अंदर आपको चिन्ह परिपाटी जो मैंने समझाई थी आपको, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो उससे जो है न्यूमेरिकल के अंदर हमारे बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। अगर चिन्ह परिपाटी आपको याद नहीं है तो माइनस और प्लस के अंदर ही आप उलझे रहेंगे, और उसी से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज, फिजिक्स के अंदर हमारा ओम का नियम जो है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दूसरा जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा ओम के नियम पे, और जो हमारी शक्ति और कार्य जो है उससे संबंधित जो हमारा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट से, देखते हैं। देखो, और यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन के, यहाँ पे वीडियो के नीचे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे देगा, तो आपको वहां से जो है वो क्वेश्चन देख के आपको खुद भी सॉल्व करके देखना है कि आपको आता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण। यानी कि आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
उत्तल दर्पण दिया गया है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी है। वो मैं आपको देखो धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से करना है। तो पहली चीज़ जो है वो क्या दी गई आपको कि उत्तल दर्पण दिया गया है। इसके बाद में दिया गया है कि उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। क्या है हमारे पास में वक्रता त्रिज्या, क्या है हमारे पास में वक्रता त्रिज्या जो है वो हमारे पास में है 3 मीटर। कितनी है 3 मीटर जो है। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो एफ की दुगुनी होती है, यानी कि फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि फोकस तो क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास में वक्रता त्रिज्या का आधा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हमारे पास में 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास में फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। फोकस दूरी जो है वो कितनी आ गई 3/2 आ गई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे आपको बोला गया है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी आपको बस दी गई है, बस की जो दूरी दी गई है, बस की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास में 5 मीटर है। बस की जो दूरी है वो हमारे पास में 5 मीटर दी गई है आपको, ठीक है। यानी कि बस को हम क्या लेंगे एज एक वस्तु लेंगे, वस्तु यानी हमारा बिंब है, बिंब जो है वो 5 मीटर जो है वो दर्पण से दूर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, बस की दूरी यानी वस्तु की दूरी, वस्तु यानी बिंब की दूरी, यहाँ पे हमने फोकस हमने निकाल लिया। यानी कि हमारे पास में 2 चीज़ें आ गई यहाँ से, यहाँ से हमारे पास में F का मान आ गया हमारे पास में 1.5 मीटर, और यहाँ पे U का जो मान है वो आ गया हमारे पास में 5 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास में जो ये जो है हमारे पास में ये होता है इस प्रकार से जो है हमारा उत्तल दर्पण होता है। अगर मैं बात करूं कि U का जो मान है वो हमेशा हम किस में लेते हैं माइनस में लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि दर्पण के इस साइड का जो मान होता है वो हमेशा माइनस में, इस साइड का जो मान होता है वो हमेशा प्लस में लिया जाता है। यानी कि इस साइड में अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो इसका मतलब वो हम किस में लेंगे माइनस में लेंगे। अब अगर हम बात करें एफ की, तो एफ हमें पता है कि यहाँ से प्रकाश जो है वो टकरा के इधर जाएगा और हमें परावर्तन के बाद में आगे की तरफ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब हमारा फोकस बिंदु जो है वो आगे की तरफ होगा, और आगे की तरफ हम किस में लेते हैं और वो लेते हैं हम प्लस के अंदर, ठीक है। ये जो थी हमारे पास में 2 चीज़ें हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ से हमको दूरी पूछी है, यहाँ पे आपको देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्रकृति भी पूछी गई, लेकिन ग्रुप डी के अंदर आपको ये प्रकृति वगैरह नहीं पूछी जाएंगी। और प्रकृति जो है वो आपको मैं सीधे सीधे चारों दोनों दर्पण और दोनों लेंस की अलग से बता दूंगा, तो यहाँ पे आपको प्रकृति वगैरह नहीं पूछी जाएगी, तो वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एफ किस में आ गया, एफ आ गया हमारा प्लस में। अभी हम देखते हैं कि दर्पण है तो हम क्या लेंगे, हम दर्पण सूत्र लेंगे। दर्पण सूत्र होता है हमारे पास में 1/V 1/U बराबर में 1/F, ठीक है। हमें वी का मान निकालना है, ठीक है। U का मान क्या है हमारे पास में माइनस का, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा बराबर में 1/F। F का मान कितना है हमारे पास में 1.5 है, यानी कि 1.5 है, तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, यानी 3/2 ऐसे लिखूंगा तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 2/3 हो जाएंगे। 1/5 को अगर इधर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास में प्लस का, यानी 1/5 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में क्या है हमारे पास में 2/3। लघुतम जो है वो 15 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 10, यानी कि 1/V के बराबर जो है हमारा आ गया 13/15। हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ वी का मान चाहिए, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे ये आ जाएगा हमारे पास में 15/13, और इसके अंदर अगर हम भाग देंगे तो ये 1 point something कुछ जो है वो आपका आ जाएगा। यानी कि हमारे पास में इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 1.15 जो है वो इसका हम आंसर जो है वो लिख सकते हैं, 1.15 मीटर जो है वो इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक बात है क्या। ये जो थी ये तो था हमारा उत्तल दर्पण का क्वेश्चन, किसका था उत्तल दर्पण का। देखो इसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारी कहाँ से आई कैसे आई ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो हम लेते हैं किसके ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंड क्वेश्चन हम किस पे ले रहे हैं।
सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा अवतल दर्पण के ऊपर। देखिए उत्तल दर्पण पे हमने क्वेश्चन कर लिया है, अगर अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के ऊपर। अवतल दर्पण पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर आकार का, आकार दिया गया है हमको, आकार से कोई भी मतलब नहीं है हमको, 4 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी हमारी 15 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, और कौन सा है हमारे पास में अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। देखो रखी गई है, रखा गया है, रखी गई है, रखा गया है, इस प्रकार के जो टर्म्स की जिसके साथ में यूज होते हैं हमेशा वो बिंब की दूरी होती है। क्या होती है हमारे पास में? बिंब की दूरी। यानी आपको ये बोल दे 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, रखी गई है, या फिर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, रखा गया, तो वो हमेशा किसका मान होता है? वो होता है हमारे पास में बिंब की दूरी यू का मान। और वो हमारे पास में कितना दिया गया है क्वेश्चन में? वो दिया गया हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। मैंने आपको बोला U का मान हमेशा किस में लेना है? माइनस में लेना है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या कि अवतल दर्पण है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो हमको पता है कि अवतल दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है अवतल दर्पण, ठीक है, इसके ऊपर जो प्रकाश है वो पड़ेगा तो हमारा इस प्रकार से जो है वो यहाँ के मिल जाएगा, यानी कि एफ का जो मान है वो इस साइड में है, ये फोकस बिंदु जो है वो दर्पण से इस साइड में, और इस साइड में दर्पण की फोकस दूरी को किस में लेंगे हम? माइनस में लेंगे, यानी एफ का मान भी यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और हमको पूछा क्या गया है? हमको पूछा गया है कि हमको जो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, वो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं बात करूँ कि दर्पण है तो हम क्या लेंगे? दर्पण सूत्र लेंगे। दर्पण सूत्र हमारे पास में 1/V प्लस में 1/U बराबर में 1/F होता है। अगर मैं बात करूँ कि 1/V का मान हमको फाइंड आउट करना है, वी का मान माइनस में क्या हो जाएगा? 1/25, ठीक है, हमको दिया गया है, और F का जो मान है वो क्या हो जाएगा? माइनस के अंदर हमारा 1/15। 1/25 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास में? ये प्लस का हो जाएगा। 1/V किसका हो जाएगा? प्लस का। ये हो जाएगा 1/25, ठीक है, और माइनस में क्या है? 1/15, ठीक है। लघुतम जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 75 आ जाएगा, ठीक है। 25 का अगर भाग देंगे ये आएगा 3, और 15 का भाग देंगे ये आएगा 5। क्लियर है बात? 1/V का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास में 2/75, 2/75 आ जाएगा, और ये किसका आएगा? माइनस का आएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूं, V का मान अगर मुझे फाइंड आउट करना आए होगा तो ये होगा हमारा 75/2 माइनस का। V का जो मान है वो देखिए भाग देंगे तो ये आएगा 37.5 माइनस के अंदर, 37.5 आ गया, और यहाँ पे हमको बोला है कि माइनस में है, माइनस में मान आया हमारा, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये हमारा इस साइड में ही बनेगा, और इस साइड में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक व उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक व उल्टे, ठीक बात है क्या? ये जो थी चीज़ थी, ये थी हमारी अवतल दर्पण के लिए हमको क्या निकालना, वी का मान निकालना, यानी बिंब कहाँ पर बनेगा, बिंब की दूरी जो है वो कितनी होगी, ठीक है, ये जो था हमारा बिंब की दूरी थी। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो इसके बाद में जो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद में अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है किसके ऊपर है? उत्तल लेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्या है? उत्तल लेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको बोला है कोई 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब। देखो लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है, एक बार, क्योंकि हमको लंबाई वगैरह से कोई मतलब नहीं, लंबाई का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी का मान निकालना, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना हम देख रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जाम के अंदर वही जो चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं, वी का मान फाइंड आउट करना आपको पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के, क्या दिया गया है हमें? उत्तल लेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? उत्तल लेंस। तो हमारे पास में उत्तल लेंस यही होता है, इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस। और ये क्या बोला इसने? इसने बोला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी गिवन है हमें? 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर अगर प्रकाश आएगा तो वो यहाँ पे देखो इसको एक जगह इकट्ठा कर देगा, इकट्ठा करने का मतलब यहाँ पे इसका फोकस बिंदु होगा, फोकस बिंदु दर्पण के आगे की तरफ है, इसके लिए किस में लेंगे हम इसको? प्लस में लेंगे। अगर दर्पण के इस साइड में होगी तो उसको हम माइनस में लेते। आगे आपको बोला गया है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से दूरी, किसकी दूरी दी गई हमें? बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को हम किससे लेते हैं?
बीम की दूरी को हम यू से लेते हैं, यानी यू का जो मान है वो कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको बताया कि यू का जो मान है हमेशा किस में लेते हैं हम, यू का मान हमेशा हम माइनस में लेते हैं। आपको पूछा है दिया क्या है हमको, दर्पण, तो हम क्या लेंगे, दर्पण सूत्र लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए दर्पण सूत्र अगर हमें दिया तो दर्पण सूत्र हमारे पास में होता है ये, ठीक है, ये होता है हमारे पास में दर्पण सूत्र। एक बट्टा वी, वी का मान हमको फाइंड आउट करना है। V, U का जो मान है यहाँ पे देखिए आप, माइनस का 15 है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 15। एक बटे F यानी ये किसका मान है, 20। एक बटे V के बराबर अगर हम करें, 15 को इधर लेके जाएंगे तो एक बटे 20 माइनस का एक बटे 15 हो जाएगा। जो हमारे पास में लघुतम है वो आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 60। 20 का भाग देंगे 3 आएगा, 15 का भाग देंगे 4 आएगा। ठीक बात है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा बट्टे 60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो V का जो मान है वो माइनस में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या जाएगा, माइनस में जो 60 है वो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वो प्रतिबिंब बनेगा। किसके अंदर बनेगा, वो है हमारा उत्तल लेंस के अंदर बनेगा। ठीक बात है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 4th जो है वो है हमारा किसके ऊपर, अवतल लेंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन हमको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है हमारा उत्तल अवतल लेंस के ऊपर, लास्ट है हमारा 4 नंबर है अवतल लेंस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमको। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कौन सा है हमारे पास में, अवतल लेंस है। इस प्रकार से जो है वो हमारे पास में होता है अवतल लेंस। हमको पता है कि ये प्रकाश को क्या करता है अवतल लेंस, वो करता है बिखेरता है, इस प्रकार से बिखेरेगा, बिखेरेगा तो यहाँ पे इधर की साइड मिलता हुआ दिखाई देगा हमें, यहाँ पे मिलेगा तो F अगर पीछे की तरफ है तो यानी कि F को हम किस में लेंगे, F को हम माइनस में लेंगे। U को हमेशा किस में लेते हैं, हम माइनस में लेते ही हैं। ठीक बात है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे बोला है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितनी है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। आगे बोला गया है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु बताया मैंने, प्रतिबिंब बिंब बताया मैंने, वस्तु बताई, कोई भी बस हो सकती है, कार हो सकती है, तो वो हमेशा किसकी दूरी होती है, वो होती है हमारे पास में बिंब की दूरी, यानी जो वस्तु है उसकी दूरी, और वो कितनी दूरी पर है हमारी, माइनस की 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। हमको पूछा क्या है, देखो वी का मान पूछा गया, वी का मान यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा वो हमको पूछा गया है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी पूछी है, तो प्रकृति देखो मैं आपको एक साथ में बता दूंगा सभी की। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पे तो V का जो मान है वो निकालने के लिए हमको पता है यहाँ पे क्या गिवन है, हमको लेंस गिवन है, तो लेंस सूत्र काम में लेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है हमारे पास में, एक बटा V माइनस एक बटा U बराबर में एक बटा F। ठीक बात है, एक बटा V का मान हमें चाहिए, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और V का मान, U का मान कितना है 10, एक बटे F का मान कितना है माइनस का 15 है। 10 को इधर लेके जाऊंगा मैं तो 10 को उधर लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा ये भी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1 बटे 15 तो था, और माइनस का ये भी क्या हो जाएगा 1 बटे 10। लघुतम क्या आ जाएगा हमारे पास में 30, 15 का भाग देंगे क्या आ जाएगा माइनस का 2, और अगर मैं बात करूँ कि 10 का भाग दूंगा तो आएगा 3, यानी कि यहाँ पे ये जो है कितना आ गया हमारे पास में, 1 बटा V का जो मान है वो आ गया माइनस का 5 बट्टे में 30। ठीक है, 1/6, ठीक है, 1/V बराबर आ गया माइनस का 1/6, यानी कि V का जो मान है वो क्या जाएगा 6/1 माइनस में, यानी V कितना जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और यही हमको इसके अंदर पूछा गया है। क्लियर है बात, तो ये जो थे हमारे 4 उदाहरण थे हमारे, 2 हमारे लेंस के, 2 हमारे दर्पण के। तो इस प्रकार से आपको देखो क्वेश्चन जो है वो करने हैं, आपकी एग्जाम जो है वो कभी भी हो आपको ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले। साइंस के अंदर जो है वो दर्पण का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा देखो वैसे ईजी है, कॉमन है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर, यानी कि प्लस माइनस इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं इसके अंदर तो आपके लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है ये है हमारा ओम का नियम, और इससे संबंधित दर्पण और लेंस से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम पार्ट 3 के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित और कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और
वो जो वीडियो है वो कल जो है वो आपके पास में हाजिर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, पैसे तो लगते नहीं हैं तो कर लेना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।